नगर पालिका ने कई मूर्तियों की दुकानों पर छापा कर कई गणेश मूर्तियों और दुर्गा मूर्तियों को सील किया। मूर्तिकार बड़े पैमाने पर पीओपी का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। कलेक्टर को शिकायत मिलने पर नगर पालिका ने छापामार कार्रवाई कर पीओपी की मूर्तियों के निर्माण पर रोक लगवाई। गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच छतरपुर नगर पालिका ने मूर्तिकारों की दुकानों पर छापा मारा। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि दरअसल कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि मूर्ति निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पीओपी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नगर पालिका की छापामार कार्रवाई के दौरान पीओपी से बनाई जा रही गणेश मूर्ति और दुर्गा मूर्तियों को सील कर दिया गया है। कल राजस्व अमले और नगर पालिका के अमले द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई थी। तो जहाँ जहाँ भी मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, 8 से 9 स्थानों पर निरीक्षण किया गया था, जिनमें एक परिहार मार्केट में पीओपी की मूर्तियाँ पाई गई थी, लगभग 200 मूर्तियाँ थी, तो उस स्थान को सील करके कार्रवाई की गई है। पीओपी की मूर्ति नहीं बनाने के हमारे एनजीटी के भी निर्देश हैं और पर्यावरण को भी हानि होती है। मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, तो इस कारण से चूंकि हमारे एनजीटी के निर्देश का तो पालन हमें करना ही है, साथ ही सभी नगरवासियों से भी अनुरोध है कि मिट्टी की मूर्तियाँ ही खरीदें और उनका ही विसर्जन करें, जिससे हमारे जलाशय साफ सुथरे बने रहें और उन पर कोई भी केमिकल्स का दुष्प्रभाव ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।